इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लगता है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं। सबसे पहला आप पहला चीज आपको अप्लाई दिखना चाहिए, लेकिन अगर हम देखें तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, वो भी दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉग ऑफ साइन एक्स की सोचो, है ना, तो लॉग ऑफ साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है आपका, कॉट एक्स होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉग ऑफ साइन एक्स को हम लोग टी प्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, लॉग का हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स डी एक्स, इट बिकम डी टी। तो ये हो गया आपका कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो गया। तो यहाँ पे रख दीजिए, दैट इज कॉट एक्स डी एक्स, ये जो हो गया आपका, इट बिकम डी टी, ठीक है। और लॉग साइन एक्स को टी दिख ही रहे हो आप, ये डी टी हो गया, सिंपल हो गया, टी की पावर वन है तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन मतलब टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन टी आपका डमी वेरिएबल से रिमूव करना पड़ेगा, तो टी आपका क्या था, लॉग ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप, लॉग ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।